नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विश्व अंतर्गत अक्सर देखने में आ रहा है कि अधिवक्ताओं पर लगातार घातक, गंभीर व न्यायालय परिसर में मारपीट की घटनाएं आ रही हैं, जिसमें अधिवक्ता अगर निष्ठा पूर्वक अपना विधि व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं तथा पक्षकार भी न्याय से वंचित रह रहे हैं। पूर्व में भी अधिवक्ता द्वारा कई बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, किंतु आज दिनांक तक अधिवक्ताओं के हित में कोई भी फैसला नहीं किया गया। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता गणों के आह्वान पर जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी मांग करता है कि अतिशीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। संवाददाता हरिओम परिहार की खास रिपोर्ट। निष्पक्षता पूर्वक अपना विधि व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तथा पक्षकार भी न्याय से वंचित हो रहे हैं। पूर्व में भी अधिवक्ताओं द्वारा कई बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, किंतु आज दिनांक तक अधिवक्ता ज्ञापन दिए गया। क्या कुछ मांग? विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश राज्य के अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निरंतर ये मांग की जा रही है कि अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमले तथा दुर्घटनाओं के संबंध में मध्य प्रदेश में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। उस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आज अधिवक्ताओं द्वारा राज्यपाल महोदय के, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए संपूर्ण मध्य प्रदेश में। बड़े आश्चर्य का विषय है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में ये एक्ट लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कमेटी का गठन किया जा चुका है, लेकिन 17-18 साल से भाजपा की जो सरकार यहाँ काम कर रही हो, एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के बारे में, सुरक्षा के बारे में कोई भी कानून नहीं ला रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद जैसा राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश होंगे, संपूर्ण राज्य में हड़ताल, काम से व्यस्त रहना, आगे के कदम उठाए जाएंगे।